यहाँ सनकादिक कुमार जो समाधि में से भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध प्राप्त करके खिंचे चले आए हैं, जिनके हृदय में भगवत प्रेम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसे सनकादिक कुमारों को क्रोध आ गया। अब आपको यदि ऐसा लगे कि भैया जब ऐसे भजन करने वालों को क्रोध आ सकता है तो हमको आता है, तो आप क्यों मना करते हो कि क्रोध मत किया करो। हाँ, आप समझदार हैं, मन में आ सकता है प्रश्न, तो इसका उत्तर है कि भैया उनका क्रोध आना उनके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि उनका जीवन उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है, वो केवल परमात्मा के नियंत्रण में रहने वाले हैं, इसलिए उनकी सारी क्रियाएं भगवत इच्छा से होती हैं, इसलिए उनका क्रोध आना भी मंगलकारी है, भगवान की प्रेरणा है। हमारा आपका क्रोध आना मंगलकारी नहीं है, अमंगलकारी है, क्योंकि हम माया के कंट्रोल में हैं, हम अपने कंट्रोल में हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह के कंट्रोल में हैं, इसलिए हमारा क्रोध आना गलत है। इसलिए संतों ने समझाया क्रोध मत किया करो। कोई बैठे हो जिनको लगता है हमको बहुत क्रोध आता है, तो उसके लिए दो उपाय बताए। यदि क्रोध आता है तो सबसे पहले ठंडा पानी पी लो, या एक संत ने कहा कि उसको बोलो जिसको क्रोध आता है कि भैया जाकर के मिरर के सामने खड़े हो जाना, फिर आपको आपका स्वरूप दिख जाएगा कि क्रोध में कितने ब्यूटीफुल लगते हो आप, कितने सुंदर लगते हो आप। क्रोध में अपने आप को देख के आप ही डर जाओगे, क्रोध ऐसी वस्तु है, चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, क्रोध ऐसी बुरी चीज है महाराज।